2023 में कार्तिक का महीना कब शुरू हो रहा है और कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है, कार्तिक के महीने में हमें किन कार्यों को करने से बचना चाहिए और कार्तिक के महीने में किया गया हमारा कौन सा काम होता है जो हमें बहुत पुण्यों की प्राप्ति करवाता है। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो प्यारे साथियों, साल 2023 में कार्तिक का महीना शुरू होगा 29 अक्टूबर और दिन होगा रविवार। 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है, कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है और कार्तिक का महीना जो चलेगा वो चलेगा 27 नवंबर दिन सोमवार तक। 27 नवंबर 2023 तक कार्तिक का महीना चलेगा। आइए अब बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। साथियों, कार्तिक के महीने में सबसे ज्यादा महत्व तुलसी पूजन का बताया गया है। अर्थात कार्तिक का महीना भगवान पुरुषोत्तम यानी कि भगवान विष्णु जी का महीना कहा जाता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आप नारायण भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती इन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। आप सभी को पता होगा कि कार्तिक का महीना स्टार्ट होते ही कत्तक स्नान यानी कि कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। कोशिश करें कार्तिक के महीने में किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके, कोई मजबूरी है, तो अपने घर पर ही नहाने वाले जल में थोड़ा गंगा जल डाल लें और गंगा माता का ध्यान करके स्नान करें। कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर होते हैं, अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दीप दान का विशेष महत्व होता है। दीप दान आप या तो किसी पवित्र नदी में भी कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर दीप दान करें। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में दीप दान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की अनंत कृपा बरसती है। कार्तिक के महीने में अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करते हैं या अगर आप कार्तिक के महीने में गेहूं का दान करते हैं, ऐसा करने से आपके परिवार में कभी गरीबी नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती और आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में जिन बच्चों का जन्म हुआ है इसी महीने में उनकी कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की शांति भी होती है। ये 3 दिन की पूजा होती है, चतुर्थ दिन इसका हवन होता है। कार्तिक में जन्मे बच्चों की शांति करवाना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उन बच्चों के जीवन में आगे किसी प्रकार का कोई ना कोई कष्ट चलता रहता है। कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान को हर सुबह जल देने से जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जिन बच्चों की जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, जिनका जन्म कार्तिक में हुआ है, उन्हें तो कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। साथियों, कार्तिक के महीने में अगर आप अपने घर पर भगवान नारायण का कीर्तन करवाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठें,
जल्दी उठकर स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान का भजन करें, वो आपको हर पाप से मुक्ति दिलवाता है। कार्तिक के महीने में जितना संभव हो सके धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और अपने जो धार्मिक स्थान हैं वहां पर जाकर भगवान के दर्शन जरूर करने चाहिए। कार्तिक का महीना एक बार फिर मैं बता देता हूं, 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और कार्तिक का महीना 27 नवंबर तक रहेगा। आप सभी को आज की है जानकारी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। जय माता की।